प्रीवियसली ऑन PUBG मोबाइल। चलते यहाँ पे क्लच गॉड थोड़ा सा जैसे अब उनको टाइम देना नहीं चाहिए, बिकॉज उनको पता है कि चारों प्लेयर रिवाइव हो गए तो दिक्कत आता है, बट उनके भी प्लेयर को वो रिवाइव दे सकते हैं। अब वो 2 vs 4 का सिचुएशन वहां पे वापस से बना सकते हैं, बट यहाँ पे क्लच गॉड ने आई शॉट को लॉक कर दिया। गेट 1 vs 4। यहाँ पे बात रहेगी हैसी एंड एग्जैक्टली मैं यहीं पे आने वाला था। जी गॉड को यहाँ पे पूरा फिनिश करा गया है आई शॉट यहाँ पे राइट साइड से एंड क्रॉसबो के साथ क्वेश्चन करने की कोशिश कर, बट उनके पास एक SKS भी है, रीलोड में जाएंगे। तब तक देखता क्लच गॉड के पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई गन नहीं है। अब रेक्स यहाँ पे अपनी स्कारल से आगे जाएंगे, बट उनके पास वापस से डबल बैरल है, डबल बैरल शॉट गन उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जब सामने आपके प्लेयर के पास स्कारल है। बट यहाँ पे T70 की अपनी लूट वापस से कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। मोलोटोव इतना ज्यादा यूजफुल नहीं रहने वाला बिकॉज वहां से प्लेयर फॉल बैक कर चुके हैं। जी हाँ, वहां से प्लेयर थोड़ा सा पीछे जा चुके हैं। क्लच गॉड अभी थोड़ा सा उनके आगे के एरिया पर ही हैं। जोनाथन हमें दिख रहे हैं, नियो काफी लो हेल्थ पर, उनको अपनी हेल्थ भी लगानी पड़ेगी, हीलिंग्स करनी पड़ेगी। टीम सीक्रेट के सारे प्लस मुझे टीम सीक्रेट हमेशा अर्ली एंगेजमेंट में फाइट्स में देखने को मिलती है, चाहे हम किसी भी पिछला वीकेंडी का मैच था वहां पर हमने उन्हें नो चांस के साथ एंगेज करते हुए देखा, रेंगल के अंदर भी हमने उनकी काफी अर्ली फाइट्स देखी। तो टीम बट बाकी दो प्लेयर किस तरीके से ये फाइट को अंजाम देंगे, बाइक के साथ रोटेशन डाल रहे, दैट मींस आपको हर जगह से बुलेट्स पड़ सकती है। जहां पे आप जा रहे हैं वैल्डस के प्लेयर राइट साइड में और लेफ्ट साइड में टीम TSM एंटिटी आपको दिक्कत दे सकती है। अब मुश्किलें बहुत ज्यादा हो ही जाएंगी यार, क्योंकि प्लेयर्स पीछे से आ रहे हैं। एज की फाइट जो एज का वो चीज रहता है सिनेरियो वो अभी भी आ रहा है। क्लच गॉड की हेल्थ थोड़ी सी कम हो चुकी है, बट उनका ग्रेनेड आई शॉट्स को लेकर जाता हुआ फिनिश ऑफ भी करेंगे, लेकिन क्लच गॉड यहां पर डाउन हो चुके। रेक्स अपने लिए फाइट ले रहे, अपने अकेले के लिए फाइट ले रहे हैं, लेकिन क्लच गॉड को फिनिश ऑफ जरूर करना चाहेंगे, फिनिश कर चुके हैं, अपने लिए किल निकाल लिया है, बट रेक्स अकेले बचे। एक और प्लेयर को स्पॉट किया, नियो इस बार नीचे जा सकते हैं, वो बार बार डैमेज देकर के अपने आपको एक कवर में ला रहे हैं, लेकिन जॉनथन सामने आ चुका है। जॉनथन वर्सेस रेक्स, ये एक बहुत लेजेंडरी फाइट हो सकती है, 1v1 एक दूसरे के इनके सामने रहेगा, एक गेम इनके हाथ में रहेगी, उनके हाथ में उजी रेगेंट, उजी गोस पावरफुल, रेक्स टेक्स डाउन जॉनथन। अब रेक्स के हाथ में सिर्फ और सिर्फ नियो का किल आना रहता, अगर वो आ जाता तो TSM एंटिटी यहां से एलिमिनेट हो जाएगी, बिकॉज जॉनथन भी डाउन, रेक्स अपनी HP बढ़ाना चाहेंगे और आगे की फाइट लेना चाहेंगे। बैंडेजेस हैं इनके पास, टाइम फ्लश आउट करने की कोशिश करेगी और नियो काफी ओपन में आ रहे हैं, लेकिन नियो भी स्पॉट कर लिया, रेक्स कैन टेक हिम डाउन, नियो स्टिल surviving 1 HP. Can you take this fight? Can he take this fight? I don't think so. He can because बहुत कम हेल्थ है, but यहां पर Rex एक 1v3 कर गए।